सो हे गाइस, वेलकम टू रैंडम वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है मैं प्रैक्टिकल 1D के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले देखते हैं स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट का नाम है FIBACIT, जो है कोर्स का नाम है और सेम टू और मुंबई यूनिवर्सिटी का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्रैक्टिकल 1D है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड क्लास एंड एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स इन फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो है हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो फंक्शन हमें क्लास के अंदर इनिशियलाइज करना है, पर उसका जो मेथड जो कुछ भी उसका फंक्शनैलिटी जो है वो हमें क्लास के बाहर लिखना है। तो क्लास के बाहर यूज़ करना है बेसिकली जो उसको, तो वो जो है यूज़ करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना है। तो वो जो है हम डिनोट करते हैं 2 कोलन के मार्क से। तो ये जो है नीचे जो मैंने सिंटैक्स दिया है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप अब जैसे कि अभी आपने वॉइड दिया है क्लास के अंदर इनिशियलाइज करते समय फंक्शन को, तो यहाँ पे वॉइड दीजिए, या फिर आपने इंट किया है तो इंट दीजिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप रिटर्न टाइप वॉइड दीजिए। फिर उसके बाद जो है हमें क्लास नेम लिखना है। तो ऊपर जो हम क्लास इनिशियलाइज करेंगे तो क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद 2 स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना है, 2 कोलन, और उसके बाद हमें जो है फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि अभी हमने मल्टीपल फंक्शन बनाया a1 a2, तो उसके हर एक बार हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्लास के बाद। और उसके बाद अगर पैरामीटर्स अगर आपने दिए हैं तो यहाँ पे देने पड़ेंगे क्लास के बाहर। अगर आपने बिना पैरामीटर के बनाया है तो पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हम उसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो ये जो सिंटैक्स जो मैंने दिया है ये हम जो है क्लास के बाहर लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्लो ऑफ प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमें पहले क्लास क्रिएट करना है, फिर उसके बाद जो है हमें मेथड और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। मेथड और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद जो है हमें क्लास को क्लोज करना है। फिर उसके बाद हम जो है मेथड को यूज करेंगे क्लास के बाहर, और वो मेथड के फंक्शनलिटी जो कुछ भी है वो क्लास के बाहर लिखना है। फिर उसके बाद जो है हम वर्ड मेन फंक्शन यूज करेंगे फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो है गाइस, हम कोडिंग साइड आ चुके हैं। तो चलिए अभी जो है वो मैं कोडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि हमें नॉर्मल लाइब्रेरीज इंक्लूड करने हैं, तो चलिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ include iostream.h। और उसके बाद जो है हमें हैश इंक्लूड कोनियो भी करना है, जो बेसिक हेडर फाइल्स है हम जो हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो ये 2 है। इसके बाद जो है क्लास मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है कि कौन सा क्लास का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास का नाम। उसके बाद जो है हमें याद, जैसे कि मैंने बोला था क्लास को क्लोज करने के लिए हमें सेमीकोलन यूज़ करना है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी है करने के लिए। इसके बाद चलिए मैं एक इंट बना लेता हूँ, इंट वैल्यू जो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होएगा। तो ये जो है मैं बेसिकली जो यूज़र से लेके मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे मैं यूज़र के, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज करके इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको कोड में समझ आ ही जाएगा। तो चलिए पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर लिया है मैंने यहाँ पे। तो इसके बाद जो है हमें 2 फंक्शन बनाना है। तो ये जो है मैं पहला फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ वैल करके कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं पैरामीटर दे देता हूँ इंट वी। तो जो है वो वैल्यू इंट ये पैरामीटर है, तो मैं यहाँ बाहर जो है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए इसके बाद जो है वॉइड प्रिंट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ होने वाला है। तो इसके बाद जो है हम क्लास के बाहर जो है वो मेथड का फंक्शन डेफिनेशन जो कुछ भी है वो हमें मेथड के क्लास के बाहर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये लिखना। void एग्जाम्पल जो है वो मैंने क्रिएट किया था क्लास का नाम, जैसे कि मैंने बताया था, रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन साइन, देन उसके बाद जो है वो का फंक्शन नेम आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है फंक्शन मैंने वैल बनाया था यूजर का वैल्यू देने के लिए, और इंट वी जो था वो मैंने पैरामीटर दिया था। तो चलिए तो जो है इंट वैल को मैं इंट वैल्यू जो मैंने बनाया था ऊपर उसको वी का वैल्यू दे देता हूँ इसके अंदर। तो ये जो है फिर से हमें देने की ज़रूरत नहीं है इंट। तो चलिए इसके बाद जो है void एग्जांपल हो चुका है, void
हमने जो फंक्शन जो है वैल कर दिया है, तो चलिए अभी मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ। वॉइड एग्जांपल फिर प्रिंट। तो ये जो मोस्टली जो स्कोप रिजोल्यूशन है वो फ्रेंड फंक्शन के लिए यूज़ होता है। वो मैं आपको फ्रेंड फंक्शन आगे के प्रैक्टिकल्स में समझा दूंगा कि क्या होता है फ्रेंड फंक्शन। तो हमने इसे कुछ भी ये नहीं दिया था पैरामीटर। तो चलिए आगे बढ़ के इसमें अभी प्रिंट कर देते हैं आउटपुट सी आउट। तो डबल कोट्स में जो है वो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू या फिर कोलन, वैल्यू कोलन, ओके वैल्यू फिर कोलन, फिर उसके बाद जो है डबल कोट्स में फिर वैल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने वैल्यू ली ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था वैल्यू करके। तो इसके बाद जो है हमें सेमी कोलन करना है। फिर उसके बाद ये हो ख़त्म होने के बाद हमें जो है वॉइड मेन फंक्शन बनाना है। तो जैसे कि मैंने बोला था वॉइड मेन भी बना सकते हो या फिर इंट मेन भी बना सकते हो, पर मैं जो है मोस्टली वॉइड मेन ही यूज़ करता हूँ। तो आप भी वही यूज़ कीजिए, वो इजी होता है। तो उसके बाद जो है हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो एग्जाम्पल ई जो है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एग्जाम्पल ही। तो इसके इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट से मैं ऊपर के दो क्लास को कॉल कर लेता हूँ। तो ई वैल्यू जो है वैल जो है वो ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया था वो है, और इसमें जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। फिर उसके बाद जो है ई डॉट प्रिंट है जो प्रिंटिंग के लिए जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होने वाला है। तो ये जो है ये एकदम बेसिक प्रोग्राम है, ये जो है एकदम बेसिक प्रोग्राम है, इसमें कुछ हाई लेंथी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। और इसके बाद जैसे ही मैं गेट सी एच क्लोज कर देता हूँ, तो चलिए कोड मैंने क्लोज कर दिया है। तो अभी इसे सेव भी कर लेते हैं। तो चलिए सेव कर लेता हूँ मैं इसे। तो सेव करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका फाइल लॉस में ना चले जाए, मीन्स अगर आपका टर्बो सी रेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप यहाँ से अगर सेव कर लिया आपने तो इसे यूज़ कर सकते हो। तो जो है मैं P1D से सेव कर दिया है। तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर्स आता है कि नहीं। तो जी हाँ, जीरो एरर्स है। तो चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू 10 आ चुका है। इसे मैं बोलता हूँ क्लियर स्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू कोलन 10 से ऊपर जो है वो प्री डिफाइंड है। तो उसे डिलीट करने के लिए जो है मैं क्लियर स्क्रीन यूज़ करता हूँ। तो ये जो है मैं क्लियर स्क्रीन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे ऐसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि कैसे वो क्लियर स्क्रीन का क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप ये जो होता है ये प्रोग्राम था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो लर्न इट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मे वॉचिंग दिस वीडियो। और जो मैं इसका लिंक कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोड दे दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कोड को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.